हाई एंड वेलकम टू थिएटर कॉन्सल्टेशन सर्विस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक पिका कट रीडिंग आज का टॉपिक है कि आपका जो पर्सन है एंड आप दोनों के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है है ना क्या चल रहा है एक्चुअली क्या आपका फीलिंग क्या है उनके लिए उनका फीलिंग एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है मालूम है मैक्सिमम केस में मैं देखती हूँ कि मेरे जो क्लाइंट्स है जो आते हैं मेरे पास हाँ मैं एक ही चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करती हूँ कि क्या चाहिए एक्चुअली उनको वो ही क्लियर नहीं है कभी बोलते हैं बिल्कुल नहीं चाहिए वो इतना तंग करता है मुझे शांति चाहिए अगर वही बंदा ब्लॉक कर दे बात ना करे या कुछ दिन आपसे कांटेक्ट ना करे तो आपका हालत ख़राब हो जाता है कि नहीं वो सच में मुझे छोड़ दिया मगर आप बोल रहे हो कि हाँ छोड़ दे मतलब ईगो कोडिपेंडेंसी डर ये आपको जानने ही नहीं देते कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो इस जिंदगी में जो रहना है उस रहने के लिए एक्चुअली आपके लिए क्या अच्छा है ये पहले आप अपने आप से क्लियर कीजिए ठीक है ना तो ये जगह से मैं बताऊंगी कि आज आप और आपकी पर्सन बार बार तो करंट फीलिंग देती हूँ यहाँ पे एक्चुअली डीप ऑफ द माइंड में दोनों का क्या है क्या चलते है ये जगह देखने के लिए पाइल वन पाइल वन आर कंजल माइकल के साथ अच्छा से देखिए पाइल वन जिन लोगों ने सिलेक्ट करना है ये आर एंजल माइकल को जो कार्ड है ये पाइल वन है उनको सिलेक्ट कीजिए सेकेंड द डिवाइन डायरेक्टर द सेकेंड इज द डिवाइन डायरेक्टर Second पाइल डिवाइन डायरेक्टर थर्ड पाइल राधा सोल flame, ठीक है थर्ड पाइल है राधा एंड फोर्थ जो है वो पाइल है लेडी Venus. फोर्थ पाइल है लेडी Venus, ठीक है ना uh, तो ये जगह से डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स का जो देवी दैट्स लेडी वेनस तो आपको यही एक जगह से जो चार पाइल है अच्छा से देखिए आर के एंजल माइकल ट्रस्टिंग टू गॉड एंड नेक्स्ट है Michael, heaven, God, time, हाँ इंटरवेशन एंड पार्पज एक्चुअल क्या है राधा इट्स सोल फेम एंड द लेडी वेनस डाउनलोड एंड डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग अभी देखिए आप एकदम अच्छा से अच्छे से डीप ब्रीथ कीजिए आपका जो पर्सन है उनकी जो फेस है उनको अच्छा से दिमाग में लेके आइए एंड स्माइलिंग फेस ऑलवेज मैं बोलती बोलती हूँ जब भी आपको पाइल चॉइस करना है खुद भी एक स्माइल के साथ पाइल चॉइस कीजिए एंड अनदर केस उनको भी एक स्माइलिंग फेस को आप विजुअलाइज कीजिए एंड आपका जो पाइल है उसको चॉइस कीजिए ठीक है तो लेट्स स्टार्ट आप हो सकता है कि आपको तो मुझे लगता है आप लोगों को पाइल चॉइस हो चुके हैं लेट स्टार्ट फॉर पाइल वन देखता है पाइल वन का क्या एक्चुअली ये है मतलब क्या रीडिंग है पाइल वन के लिए आप और आपकी पर्सन के बीच एक्चुअली क्या चल रहा है सॉरी देखिए इसको थोड़ा मैं अलग दूर में करती हूँ तो आपके लिए इजी होगा पाइल वन को देखना लेट्स स्टार्ट स्टार्ट आर्क एंजल माइकल जिन लोगों ने पसंद किए हैं उन लोगों के लिए आज का रीडिंग एक्चुअली क्या चल रहा है आप और आपके पर्सन की मन के अंदर डीप ऑफ द माइंड क्या चल रहा है ठीक है चलो देखते हैं क्या चल रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स ओके थ्री ऑफ पेंटिकल्स Uh, art sign. It's a tallest Virgo Capricorn. Art sign strong. hair Then three of swords. Okay, three of swords. It's a air sign Gemini Libra uh, Queen of swords. Again Gemini Libra Two of swords. Again Gemini Libra Five of swords. Coffee swords energy so Gemini Libra and nine of cups. ओके फाइन साइन कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइस पेज ऑफ आपकी अब आपसे छोटा भी हो सकते उम्र में चांस है सो दैट इज ऑल्सो फायर सैन एजीटेरियस एंड कप्स इज अगेन कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइस बट एगेन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा जेमिलस मेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है स एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हिंटिवली मुझे लग रहा है हाँ मगर कोई भी साइन का आप हो सकते हो यहाँ पे जो एनर्जी देख रही हो कब्सोर्स पेंटिकल्स एंड वर्न एवरी थिंग इज देयर सो कोई भी साइन का हो सकते हो आर वाटर फायर एंड अर्थ कोई भी साइन की हो सकते हो लेट स्टार्ट एक्चुअली क्या चल रहा है आप और आपकी पर्सन के अंदर ओवरऑल एनर्जी में जो मैं देख रही हूँ हंड्रेड परसेंट थर्ड पार्टी है जो लोग अच्छा से फॉलो करते हैं यूट्यूब उनको तो बोलने का दरकार ही नहीं होगा थर्ड पार्टी तो है ही ये जो पाइलवान जिन लोगों ने चॉइस किए हैं उन लोगों का रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है फैमिली हो सकता है थर्ड पार्टी में स्ट्रोंग थर्ड पार्टी है जो कॉमिटेड रिलेशनशिप है दैट मीन्स वाइफ हो सकता है कॉमिटेड हज गर्लफ्रेंड हो सकता है जो फैमिली वगैरह सब जानते हैं ऐसा एक एनर्जी में है ठीक है ये एनर्जी है आ, पाइल वन के लिए पाइल वन का स्ट्रोंग थर्ड पार्टी एनर्जी दिखाई दे रहा है एंड इट्स अ थ्री ऑफ पेंटिकल्स इट्स अ फैमिली ऑल्सो एनर्जी जहाँ पे फैमिली नहीं मानेगा फैमिली कुछ करेगा एंड फैमिली बना ली हूँ तो कैसे चलेगा ये एक एनर्जी में आपकी पर्सन घूम रहा है ठीक है एंड द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आया है क्वीन ऑफ शॉर्स ऑल्सो बोलते हैं कि उनकी जो बीबी है बीबी हो सकता है या जो भी कॉमिटेड रिलेशनशिप में जो भी है वो बहुत ही थोड़ा सा इनको समझते नहीं है थोड़ा समझने की प्रॉब्लम है ज़िद्दीपन है इनके अंदर एंड वो बहुत कंट्रोल करके चलने का कैपे टेंडेंसी है कि हाँ भाई मैं जो बोलूँगा या बोलूँगी एक्चुअली बोलूँगी यहाँ पर जो भी गर्ल है उनके लिए ज़्यादा बोल रही हूँ मैं तो ये जो है आपकी पर्सन का जो वाइफ होगा वो बहुत स्टबिन किस्म की होगी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डोमिनेट करने का टेंडेंसी होगा वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर की होंगी बहुत माइंडफुली चलना आमने सामने दिखाएगा कि आपकी पर्सन को लगेगा नहीं भाई वो तो सीधी सादी है या ठीक है भाई वो इतना ख़राब नहीं है मगर अंदर ही अंदर उनको जो चाहिए वो एकदम अच्छा से जो भी चाहिए उनसे निकाल लेते हैं ऐसा पर्सन थर्ड पार्टी है एंड आपकी पर्सन का क्या है थर्ड पार्टी के ऊपर बिल्कुल प्यार नहीं है ऐसा नहीं है प्यार है ड्यूटी है फैमिली है ये एक एनर्जी है अदरवाइज कॉमिटेड रिलेशनशिप में भी एक होता है ना कॉमिटमेंट कॉमिटमेंट के ऊपर प्यार है बंदी के ऊपर प्यार कितना है मुझे आई हैव कन्फ्यूशन अगर इतना प्यार होता तो आप नहीं आते जिंदगी में ठीक है तो ये जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है दे आर टू ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी कन्फ्यूशन यहाँ पे बहुत कन्फ्यूशन में फंसा है आपकी पर्सन टोटली कंफ्यूज एनर्जी है अगर वो आपको बोले कि नहीं भाई मैं तो तुझे ही प्यार करता हूँ मगर वो तो है मेरी ड्यूटी ऐसे बात नहीं है डीप ऑफ द माइंड में जाइए दोनों के ऊपर प्यार है आपके ऊपर भी है वो पर्सन के ऊपर भी है जो उनका कार्मिक है जो भी हो Uh, कुछ भी हो जो थर्ड पार्टी है उनके ऊपर भी प्यार फीलिंग एक होता है इनको ड्यूटी फीलिंग प्यार फीलिंग ये होता है एंड फैमिली में बहुत इज्जत बताने का उनका सबसे ज्यादा प्यार है फैमिली में इज्जत बचाना थ्री ऑफ पेंटिकल्स फास्ट कार्ड आया है सो ये जगह में ना वो ऐसे जगह में पड़े है जहाँ पे वो टू ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी में है एक कन्फ्यूज एनर्जी में है क्या करूँ हाँ उनको बहुत ब, मतलब कभी ना कभी पल्ला उधारी भारी लग रहा है कि वहाँ पे रहूँ तो ठीक है झेल लूँगा या झेल लूँगी सिचुएशन को मगर बेइज्जत नहीं होना है समाज में नाम सही रखना है जो फैमिली बढ़ा के बैठी हूँ उसको भी तो मुझे देखना है समाज में क्या डिसीशन लूँ क्या करूँ यहाँ पे ऐसा हालत है नहीं भाई जो हो रहा है दिस इज द डीप ऑफ द माइंड मुँह में कुछ भी बोले तुझे छोड़ के हाँ आपके ऊपर एक फिजिकल अट्रैक्शन है आपके ऊपर प्यार है सब कुछ होते हुए भी अगर पल्ला में तुला में आप करो तो उधर थोड़ा भारी हो जाएगा ये एनर्जी एक्चुअली आपकी पर्सन का है एनी और टू ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी में है टू ऑफ सॉर्ट्स बोलते हैं कि प्यार क्योंकि यहाँ पे एक चीज अच्छा से नोटिस कीजिए वहां पे क्या क्या चीज इनके लिए मैटर कर रहा है समाज में सम्मान फैमिली में कमिटमेंट uh, उसके साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप है उसको निभाना ये सब मिला के और एक पल्ला में आप हो सिर्फ प्यार एंड फिजिकल अट्रैक्शन सो ये दोनों मिला के समझ में आया ना यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारा प्यार मोहब्बत छोड़ के भी एक जगह है जहाँ जहाँ पे पे एक जगह है पे वो बहुत ही फील कर रहा है कि नो ड्यूटी है ये है वो है सो मेनी थिंग्स सोच रहा है जो एक पल्ला में है और एक पल्ला में क्या है आपके ऊपर प्यार आपके ऊपर अट्रैक्शन ये सब एक पल्ला में है तो अगर आप इंटेलिजेंट हो यू कैन अंडरस्टैंड किसके लिए पल्ला भारी है अगर सब मिला के उनके लिए जा थोड़ा सा डाउन भी हो आप थोड़ा आप भी हो अगर इंडिविजुअल प्यार की खातिर में हंड्रेड परसेंट आप, आप में हो ठीक है ना आप में हो मतलब भारी हो ऐसा नहीं आप मतलब ऊपर हो तो हल्का हो जाना राइट ऐसा नहीं है आपके लिए थोड़ा ज्यादा प्यार वो फील करते हैं मगर वो क्या करे वो उनके लिए समाज एंड ऑल एंड ऑल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कार्ड है मगर इनको बहुत सारी शिक्षा मिलने वाला है जिंदगी में ये बहुत सारा शिक्षा की थ्रू ही आपके पास आएंगे जैसे हम लोग देखते अच्छा इसके बाद फाइव ऑफ सोर्ट्स मैं जैसे बोली हूँ यहाँ पे सिर्फ उनकी एनर्जी नहीं आपका एनर्जी लेके भी बात होगा ये जो फाइव ऑफ सोर्स का एनर्जी है ना ये ईगो कहीं ना कहीं अभी आपको बहुत ईगो हार्ट हुआ है अभी जो सिचुएशन है ना इस सिचुएशन में मैं नोटिस कर रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग ईगो हार्ट होना कि भाई इतना कुछ करने के बाद फैमिली अगर तुम्हारा है तो मेरा भी है मेरा भी माँ है बाप है भाई है बहन है अगर आप मैरिड हो तो आपका पति है बच्चे हैं सब है अगर नहीं है तो ठीक है फैमिली तो आपको भी है मगर ये सब छोड़ के भी आगे जाने के लिए सोच सकते वो क्यों नहीं इस जगह से आपको ईगो हार्ट स्ट्रॉन्गली हुआ है अभी आप सेल्फ लव सेल्फ रेस्पेक्ट की तरफ जा रहे हो दैट इज़ वेरी गुड आई एम ऑफ आई एम रियली थैंक आई क्लैप कि सच में ये बहुत अच्छा एक जगह में है उनके लिए आप ऐसा कुछ बिहेवियर कर हो सकता है ऐसा कुछ बिहेवियर कर चुके हो अदरवाइज ऐसा कुछ भी हुआ है ऐसा कुछ बिहेवियर होगा सकता है ऐसा कुछ इन uh, सेंस mm, uh, ऐसा कुछ आप बोल दिए हो कि हाँ भाई तो मतलब कुछ स्ट्रांग बात सच बात बोल दिए हो जो सच बात इनका हजम नहीं हो रहा है उससे भी ईगो है इससे भी इनका ईगो में फंसा हुआ है ऐसा बंदा है ये और आपके लिए भी ईगो काम कर रहा है आपको भी बहुत खराब लग रहा है कि इतना कुछ करने की बात इतना कुछ देने की बात इस रिलेशनशिप में जहाँ पे मैं भी एम हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है बस इंसल्ट ये जगह से आपको भी ईगो हार्ट हो रहा है ईगो से भी आपको मैं बोलूँगी सेल्फ रेस्पेक्ट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ये बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ड्स के नीचे देखिए है नाइन ऑफ कप्स वो तो ठीक है थर्ड पार्टी है एन ऑल मगर वो ना ही इज वेटिंग फॉर यू वो ऐसा बंदा है जो ना थोड़ा ईगो लेके हैंडल करते हैं थोड़ा सा धीरे मूवमेंट कर रहा है बहुत कुछ सोचते हैं हर चीज़ लेके ऐसा जैसे ये कोई बोलेंगे पर्सन है स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है जिनका बहुत सारा कप्स मिला है अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई बड़े पोस्ट में है या कोई बड़े सेलिब्रिटीज है या ऐसा कुछ हो सकता है मतलब अच्छा काम करने वाला बंदा जिसमें उनको बहुत पुरस्कार मिला है पुरस्कार इन द सेंस ऑफ कापी नहीं मिल रहा सम्मान एन ऑल हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसे जगह पे वो ना चुपचाप बैठे हैं वो जस्ट वेटिंग ही और शी इज वेटिंग एक्चुअली यहाँ पे ही मैं बोलूंगी इज़ वेटिंग बिकॉज ऑफ क्या कि आप आके सरेंडर कर दो मगर आपका ईगो बहुत हार्ट हुआ है यहाँ पे बहुत हार्ट हुआ है अब दुखी हो या ऐसा भी कोई कोई यहाँ पे दुखी है बहुत दुखी है बहुत अस्थिर अस्थिर लग रहा है एक एक जगह में है कोई कोई यहाँ पे ना बहुत ही कूल एनर्जी में आ चुके हो भाई इतना जो इतना जो फाइट किया क्या मिला मुझे मैं हाथ खोल के देख रही हूँ कुछ नहीं मिला तो और जाके फ़ायदा किया ये एक एनर्जी में आप पड़े हो मगर ही इज़ वेटिंग कि वो कांटेक्ट करे यू आर वेटिंग कि वो कांटेक्ट करे यहाँ पे ये जगह में फंसे हुए हो आप दोनों की दोनों ठीक है दोनों की दोनों इस जगह में अभी आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा है कि वो कॉन्टैक्ट भी करे तो मैं आंसर नहीं करूँगी ठीक है ये एनर्जी उनकी तरफ जा रहा है और वो भी सोच रहा है कि मैं कांटेक्ट भी करूं तो आंसर नहीं मिलने वाला या भाई इतना ईगो का क्या है ज़रूरत नहीं है मतलब ये एक जगह में फंसे हैं उनकी इच्छा भी हो रहा है टोटल इच्छा हो रहा है मगर वो इस जगह में फंसे हैं अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं ही इज़ वेटिंग कि आप आके कांटेक्ट करो आप आके सरेंडर करो जैसे हर बार आप जाके गिर गिराते हो मगर इस बार आपकी चॉइस है आई कैन गिव यू सजेशन आई कैन आई कैंट गिव यू कॉमेंट ना डोंट डू ठीक है ना तो ये जगह जो एनर्जी है हर बार जो गिर गिराना इस बार नहीं कर रहे हो शायद तो इसीलिए लिए अदरवाइज ऐसा एनर्जी नहीं दे रहे हो कुछ लॉजिकली सोच रहे हो तब जाके ये बंदे भी वेट कर रहा है ठीक है इसके बाद आया है पेज ऑफ पेज ऑफ जो कार्ड है वो बोलते हैं कि ये कार्ड अग, मैं जैसे बोला वो आपसे उम्र में छोटे छोटा होने के बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आपसे उम्र में छोटे हैं अदरवाइज वो सुंदर है अदरवाइज वो बहुत ही डे ड्रीम दिखने वाला इंसान है वो ऑलवेज आपके लिए एक डे ड्रीम दिख रहा है एक सपने में है वो आप उनके दिमाग में चल रहे हो मगर सेवेंटी जिसमें चल रहा है उनकी वाइफ भी वाइफ हो कॉमिटेड गर्लफ्रेंड हो उनका भी डोमिनेशन एंड ऑल ये भी थोड़ा सा सिचुएशन में बाधे हुए है टू ऑफ सोर्स एनर्जी में है कंफ्यूशन बट एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है टू ऑफ कप्स मुझे नहीं लगना एनर्जी एनर्जी बोल रहे टू ऑफ कप्स एक साथ एक रिकॉन्सलेशन होना एक रियूनियन होने का एनर्जी दिख रहा है दो दिन मुझे लग रहा है दो दिन में एक हो सकता है किसी के लिए दो दिन किसी के लिए दो महीना ठीक है ये एनर्जी देख रही हो जहाँ पे एक रिकॉन्सलेशन हो सकता है प्रॉपर्ली इनर वर्क जो लोग करते हैं नॉट ओनली टू इन्फ्लेम कोई भी जगह में कम्युनिकेशन अच्छा होता है थ्रोट चक्र के ऊपर काम कीजिए कम्युनिकेशन अच्छा होगा हो सकता है दो दिन मैक्सिमम नाइन डेज में आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए ठीक है टू टू नाइन डेज में आप लोगों का एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाए अगर कुछ ऐसा ब्लॉकेज है लॉन्ग ब्लॉकेज है तो दैट इज़ टू मंथ मैक्सिमम टू मंथ दैट इज मे जून जुलाई जुलाई तक एक एनर्जी अच्छा होने का मैक्सिमम सेप्टेम्बर तक एनर्जी अच्छा होने का एनर्जी दिख रहा है ठीक है कोई बहुत बड़ा क्लॉज है बहुत बड़ा बहुत दिनों से आप लोग मिले नहीं हो एंड बहुत कुछ प्रॉब्लम है तो टू टू मतलब सितंबर मंथ मत जुलाई टू सितंबर के अंदर आप लोगों का हो जाएगा मगर नॉर्मली जिन लोगों का ऐसा ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते रहते हैं एंड बहुत सारा प्रॉब्लम होते रहते हैं तो दो से नौ दिन के अंदर आप लोगों का एक जगह से बातचीत होगा मगर मुझे जो लगता है आपका जो मेंटल स्टेटस है ना उसमें भी आप बहुत खुश नहीं हो जाओगे जैसे मैंने बोला आप एक कन्फ्यूज़ जगह में हो आप एक कन्फ्यूज दोनों में एक ख़तरनाक कन्फ्यूशन की जगह तैयार हुआ है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं ऐसा भी बहुत लोग हैं डिटैचमेंट फील कर रहे दैट एक्चुअली इज माई इज माई लव इज माई लव क्योंकि इतना ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकते ये प्यार है ये एनर्जी में आप हो एक्चुअली अरुण का भी एक ये सब फंसा हुआ है एंड वो जैसे इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए एक एनर्जी होता है वो थोड़ा सा है मगर आपसे प्यार करते हैं मगर इतना प्यार है तो भाई ईगो कितना इतना है बैठे हो कि वो वो आके मुलाकात करे डे ड्रीम देखने में तो कोई पैसा नहीं लगता समझ भी जा, जाता नहीं है तो डे ड्रीम तो अच्छा से देख रहा है मगर फिर भी एक कम्युनिकेशन एक रिकॉन्सिलेशन प्यार तो है ही उस जगह का एनर्जी मुझे दिख रहा है तो ये था पायलवान का रीडिंग होप आप लोगों को समझ में आया होगा हाउ आप लोगों को अभी देखते हो कि साई बाबा क्या आपको आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है साई बाबा साई बाबा का मैसेज क्या है आपकी तरफ सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा मतलब आपको डिवाइनली गाइडेंस प्रॉपरली मिलेगा मे बी थ्रू ड्रीम मे बी यूनिवर्स ऐसा कुछ आ, संकेत देगा मतलब बोल रहा है कि सपने में ऐसा कुछ भी एनर्जी आप फील करोगे या ऑलवेज नट सपने में आ, ऐसा कुछ एनर्जी होगा ना जहाँ पे आप सपने के अंदर उस सपने को आप डिकोट कीजिए ऐसा कुछ संकेत होगा आपको प्रॉपर रास्ता मिलेगा आपको कोई यूनिवर्सल कोई भी एनर्जी कोई भी संकेत मिलेगा जिसमें आपको क्या करना है एक्चुअली क्या करना है सब चीज़ आपके लिए ओपन हो जाएगा तो सपने के द्वारा मैं आपको साथ, आपके साथ संवाद करूंगा, ठीक है तो ये है पाइल वन का रीडिंग होप आप लोगों को समझ में आया होगा अभी हम लोग चलते हैं पाइल टू की रीडिंग में अब मेरा कोई भी सर्विस चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट विथ मी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल सर्विस का जो है सब दिया हुआ है अभी फिर से मैं द, मेरा व्यूअर्स की रिक्वेस्ट में येस और नो आ, का जो ये है येस और नो का जो आ, आ, फिर से रीडिंग है येस और नो थ्री कार्ड मिलेगा थ्री कार्ड आपके पास आ, आ, थ्री कार्ड का रीडिंग होगा एंड आंसर होगा येस और नो बे नाइन्टी नाइन रुपीज़ एक ऑफर फिर आपके लिए मैं लेके आई हूँ सो जिन लोगों को वो भी चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए ठीक so, है सो नेक्स्ट देखते हैं पाइल टू पाइल टू का क्या है जो लोग द डिवाइन डायरेक्टर को पसंद किए हैं उन लोगों के लिए देखते हो पाइल टू का क्या रीडिंग है ओके डिवाइन डायरेक्टर द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पज वॉट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ एंड एनी थिंग यू वांट और नॉट ठीक है तो ये मतलब क्या यू वॉन्ट आर नॉट ना इंटरवेशन ऑफ पर्पज मीन्स मतलब आप सॉरी आई वॉन्ट आर नॉट आई मैसेज नॉट रॉन्ग कि एक्चुअली वाट यू वांट वाट यू एक्चुअली योर गोल इन योर लाइफ ये सब आप प्रॉपरली जान सकते हो पाइल टू का रीडिंग जो लोग पसंद किए थे द डिवाइन डायरेक्टर एंड क्या चल रहा है आपकी और आपकी पर्सन का आ, दिमाग में एक्चुअलिटी व्हाट इज़ एक्चुअलिटी पाइल टू का रीडिंग में हम लोग जान सकते लेट्स स्टार्ट ओके पाइल टू फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स साइन पेंटिकलो कैप्रिकन नेक्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ ओके फाइन दैट इज वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पैसेस एंड द नेक्स्ट कार्ड इज हार ओके फाइन टू ऑफ वर्न नेक्स्ट कार्ड टू ऑफ वर्न सिक्स ऑफ वर्न काफी वर्न ओके द स्टार कार्ड वर्ल्ड का जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज आप लोग तो कोई भी साइन का हो सकते हो मैन द सोर्स कोई भी साइन का नहीं हो सकता आप लोग हो सकते हो आर्ट साइन टॉल वर्गो कैप्रिकन आप लोग हो सकते हो वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड आप लोग हो सकते हो फायर साइन और इसलिए यहाँ पे मुझे सैजी का एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है लियो का एनर्जी भी स्ट्रांग है एंड आप हो सकते हो वार्गो वार्गो का एनर्जी भी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है इधर ठीक है अच्छा लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट पाइल टू का क्या चल रहा है देखती हूँ पाइल टू का क्या चल रहा है कि आपके दिमाग में प्रॉपरली क्या चल रहा है उनकी दिमाग में प्रॉपरली क्या चल रहा है अच्छा देखिए ये पर्सन जो भी है आप जिनकी बारे में ही ये कार्ड मतलब ये पाइल चॉइस किए हो आपका जो पर्सन है उनके यहाँ एक एनर्जी है जो आपको ना आप हो सकते फाइनेंशियली आपका हालत अच्छा है हो सकता अदरवाइज होने वाला है दोनों में एक है नहीं तो आपका अच्छा है नहीं तो आप होने वाले हैं ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ नहीं करोगे नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं है चुपचाप बैठे हैं नहीं ये पाइल टू उन लोगों के लिए नहीं है पाइल टू अदरवाइज आप अच्छा हो फाइनेंशियली अदरवाइज होने वाले हो अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए कि आपका घर का हालत बहुत अच्छा है आप क्वीन की तरह बड़े हुए हो और क्वीन की तरह रहते हो ऐसा भी हो सकता है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है अब वो डाउन टू अर्थ हो आप उनको लगता है आपकी जो पर्सन है उनको लगता है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो आप बहुत उनको प्यार भी करते हो आप उनको सब कुछ देना चाहते हो आप उनका खुशी में आप आप खुश हो जाते हो हाँ आपके हाथ में टोटल एबेंडेंस है उनकी ज़िंदगी में जो भी खुशी है वो आपके थ्रू ही मिल सकता है ये एनर्जी इनके दिमाग में ऑलवेज जो कॉन्सली यही घूमता है कि एक्चुअली अगर मेरा हैप्पीनेस कोई दे सकता है हाँ, वो यही दे सकते हैं तो ये एनर्जी इनकी दिमाग में बहुत चलता है आप सुंदर भी हो उनकी उनकी नज़र में आप बहुत ही सुंदर सक्वीन सा एक कैरेक्टर एक हो ठीक है ना ये ऐसा पर्सन को आपको माना मानते हैं सेवन ऑफ कप्स देखिए सेवन ऑफ कप्स मतलब क्या है ये तो आपको इंडिविजुअली वो बहुत अच्छा मानते हैं मगर वेन द क्वेश्चन ऑफ रिलेशनशिप जब ये रिलेशनशिप की तरफ देखते हैं ना उस जगह में खड़े होके वो देखते हैं नहीं शायद वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है शायद ऐसा कुछ होगा फैमिली मैटर हो सकता है रिलीजन मैटर हो सकता है स्टेटस डिफरेंस हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है जिस मैटर में खड़े होके यहाँ पर वो सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी में है अगर सेवन ऑफ कप्स को अच्छा से देखिए जो लोग मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं मैं ऑलवेज सिखाती हूँ कार्ड को अच्छा से देखो कार्ड का जो पिक्टोरियल वैल्यू है उसको अच्छा से देखो बाद में तो इंट्यूशन एंड ऑल एंड ऑल पहले वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बनो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है ना ये एनर्जी में सिंपली सिंपल दिख रहा है कि ये जो पर्सन है रुकिए मैं ठीक करती हूँ मुझे ठीक हाँ राइट तो ये जगह से आपका जो पर्सन है वो देख रहा है कि भाई सेवन ऑफ काप्स को देख रहा है कि इस जो रिलेशनशिप है आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है उनका वो आपको प्यार करते हैं मगर वेन द क्वेश्चन ऑफ़ लव क्वेश्चन ऑफ रिलेशनशिप लव के लिए भी वो प्यार करता है तभी आपको इतना अच्छा से देखता है वेन द क्वेश्चन ऑफ रिलेशनशिप तब वो ये इतना अच्छा से देखते नहीं है ड्यू टू सिचुएशन ये जगह में वो कभी लगता है कि ना लव इज़ द मेन थिंग इन लाइफ कभी कभी लगता है नहीं ये सब छोड़ के ड्यूटी भी होता है ड्यूटी होता है या शायद ये जो भी रिलेशनशिप है वो सही नहीं है ऐसा सिचुएशन है सही नहीं है इससे मुझे मूव ऑन करना चाहिए या रहना चाहिए ऐसा बहुत कुछ इनके दिमाग में ऑलवेज घूमता रहता है ये एनर्जी उनके लिए बहुत स्ट्रांग है आपको लेके कर कन्फ्यूशन नहीं है इस रिलेशनशिप लेके कन्फ्यूशन है ये इनके दिमाग में ऑलवेज़ घूमता है कि शायद नहीं है ये रिलेशनशिप सही नहीं है ये मेरा सोसाइटी में डाउन कर देगा या फैमिली में डाउन कर देगा या सही नहीं होगा मेरा नाम डाउन हो जाएगा ये सब एक जगह से वो इस रिलेशनशिप को देखते हैं द हार्डमीट वो इस ये सब कारण में बहुत डिप्रेस भी रहता है मीट मोड पर रहते हैं बहुत ही डिप्रेस्ड मूड में रहते हैं बाहर में हो सकता है वो दिखाता है कि आई एम वेरी हैप्पी बहुत ऐसा कुछ नहीं है एकदम केयर फ्री लाइफ है ऐसा है मगर नहीं है वो ऑलवेज एक सैडनेस की थ्रू ही जा रहा है वो बहुत एक अनहैप्पीनेस सैडनेस की थ्रू ही जा रहा है मगर इनके मन में ऑलवेज एक आशा होता है ऐसा कुछ होगा गॉड ने ऐसा कुछ मिराकल कर देगा जिस मेराकल के थ्रू शायद न्यू बिगिनिंग होगा ये सब कुछ मुझे जो भी सेक्रीफाइज है जो भी मेरा ऐसा है कि अच्छा नहीं है बुरा नहीं है सबका आंसर मिल जाएगा मैं इनकी तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आगे जा पाऊंगा या पाऊंगी ये एक एनर्जी इनकी अलर्ज़ दिमाग में घूमते रहती न्यू बिगिनिंग की एक एनर्जी वो समझ उनको लगता है कि हाँ न्यू बिगिनिंग होगा अच्छा टू ऑफ वर्ण्स कन्फ्यूशन ऑलवेज ए कन्फ्यूशन की जगह में वो खड़े होते हैं कोई भी कारण हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पे फैमिली रिलीजियन स्टेटस कुछ भी लैंग्वेज एज डिफरेंस बहुत कुछ कारण हो सकता है जहाँ पे खड़े होके वो टू ऑफ मतलब ऑलवेज दुविधा के अंदर होता है मगर टू ऑफ ये भी बोलता है इट्स अ न्यू बिगिनिंग जो भी एनर्जी वो जो भी चॉइस करेंगे वो आपको ही चॉइस करेंगे जो डिसीजन होगा देखिए हार्ट पे लेके खड़े में वर्ल्ड उसको पकड़ के खड़े है ड्यूटी है पास है, में है मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपको ही पकड़ के खड़े है ऐसा एक एनर्जी है जो भी क्रिटिकलिज्म है ये जगह से वो बाहर निकाल के आएंगे सिक्स ऑफ वर्न ठीक है ना आप क्या सोचते हो उनके बारे में आप क्या सोचते हो अल्टीमेटली मैं नोटिस की हूँ आप थोड़ा कन्फ्यूजिंग आप प्यार तो बहुत करते हो आप ऑलवेज ड्रीम करते हो उनके बारे में हाँ आपको लगता है मगर आपको कहीं कही ना कहीं ये भी पता है कि वो जो बंदा है या बंदी है वो हैप्पी नहीं है वो भी दुखी है उनको बहुत प्रॉब्लम है मगर कहीं कहीं जगह में आके बहुत गुस्सा आ जाता है आपको आप कभी कन्फ्यूज हो जाते हो उससे से आप आपका दूर भाई इसके पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मुझे बहुत पहले अच्छा से कुछ हो जाता वो नहीं करके मैं क्या कर रही हूँ मगर फिर प्यार आपको खींच के लेके आता है क्यों इतना खींच के लेके आता है बिकॉज ऑफ स्टार कार्ड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है इट्स स्पिरिचुअल रिलेशनशिप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों में तो आपको जितना लग रहा है ना इजीली ठीक है इतना परेशान कर रहा है ऑलवेज ये सौ और नो में फंसे है जिस जगह में ये सौ और नो में फंसे हैं आपको बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट में लग जाता है वो जगह में इस जगह में आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मीन समझते हो कि भाई मेरा अंदर कमी क्या है लाइन ऑफ पेंटिकल्स आप खुद को समझ आप अपना वर्थ समझते हो आपको मालूम है कि मेरा वैल्यू क्या है मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ वो भी जानते हैं कि इनके अंदर बहुत सारा कैपेसिटी है इनके अंदर बहुत सारा चीज़ है क्वालिटीज़ है फिर भी मैं शायद उसको उनका जो एक्चुअल जो होना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ ये एक एनर्जी में वो फंसा है ठीक है क्योंकि सिचुएशन सिचुएशन ऐसा है ये बहुत लॉजिकल माइंडेड पर्सन है खाली लॉजिकली इज अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप नथिंग ग्रेटर देन गॉड है ना गॉड जो बोलेगा जैसे डिवाइन जैसे हेल्प करेगा ऐसा ही होगा दिस इज स्पिरिचुअल रिलेशनशिप इट्स अ बैलेंस आ जाएगा एंड इन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप टू सो so, आप अपने आप को एक जगह में देखते हो सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो उस जगह में जाके कन्फ्यूज हो जाते हो कि कितना दिन वेट करूं कितना दिन ऐसा नहीं चल सकता तो एनी हाउ आपके लिए बोलो आपको पर्सन प्यार करते हैं मगर कन्फ्यूज बंदा है ठीक है ये एनर्जी है सिचुएशन में हाँ द वर्ल्ड कार्ड इट्स अ न्यू बिगिनिंग कार्ड कम्युनिकेशन कार्ड कम्युनिकेशन अगर नहीं है आराम से हो जाएगा ठीक है सिक्स टू नाइन डेज के अंदर कम्युनिकेशन का एनर्जी मुझे दिख रहा है हाँ सिक्स टू नाइन मैक्सिमम हम्म कम्युनिकेशन है हाँ uh, एंड uh, ये बाहर जाने का भी इन फ्यूचर आप अगर एक साथ हो जाओगे तो हो सकता है कि आप आउटसाइड ऑफ इंडिया जाओ रहो या टूर करो टूर करने जाओ ऐसा सिचुएशन होगा ठीक है सो so, ये एनर्जी है पाइल टू का आप और आपके पर्सन का आप कंफ्यूज्ड हो बिकॉज ऑफ हिज और हर बिहेवियर आप खुद को ऐसा नहीं है बहुत डाउन समझते हो है भाई ऐसा नहीं आपको है आपको मालूम है आपके अंदर क्या कैपेसिटी है एंड सेम उनको भी मालूम है आपके अंदर क्या कैपेसिटी है वो सिचुएशन के लिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है मगर ये सिचुएशन विजय होंगे आप लोग ठीक है यह है पाल टू का रीडिंग देखते हैं साई बाबा का क्या मैसेज है आपकी तरफ ठीक है देखती तू साई बाबा का मैसेज क्या है आपकी तरफ फाइल टू फाइल टू के लिए साई बाबा का मैसेज अच्छा अच्छा साई बाबा क्या बोल रहा है पवित्र पुस्तक पढ़िए ठीक है आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार नहीं उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान को बदल दीजिए मतलब आप कुछ गलत सोच लेके बैठे हो कुछ कुछ चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मतलब ये ही सही है उस जगह में आप बैठे हो शायद वो सही नहीं है पुस्तक पढ़िए मतलब जिंदगी का पुस्तक और और भी जानिए सच जानिए चीज को जानिए जिस जगह में खड़े होके कहीं ना कहीं शायद आपको ईगो हर्ट हो रहा है ईगो से आप काम कर रहे हो आप जानते हो कि लाइफ का ये ये, ये मेरा लाइफ का ये है नहीं है हर एक का लाइफ का एग्जाम पेपर जैसे अलग अलग होता है तो हर एक का आंसर भी अलग अलग होता है राइट सो so, ऐसा आप और भी आपका ज्ञान को बढ़ाइए साई बाबा का आपको इसीलिए आप रामायण पढ़िए महाभारत पढ़िए बाइबल पढ़िए जिनका जो भी मर्जी बर, है कुरान पढ़िए जिनका जो भी मर्जी है वो पढ़िए सच को जानिए बस पढ़ा मतलब धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ा नहीं जानने के लिए पढ़िए वहाँ पर सच में ज़िंदगी का जो रास्ता बोला है गीता पढ़िए ठीक है ना आप जिंदगी का वहाँ से ही आपको रास्ता मिलेगा मतलब जो भी शिक्षा को आप एक्सोल्यूट बोल के चल रहे हो नहीं वो आप मतलब प्रॉपरली अब्जोर्व नहीं किए हो और भी आपका लाइफ लेसन का जरूरी है एंड और आपको आगे सीखना पड़ेगा तभी ये जो न्यू बिगिनिंग का है जरूर आपकी ज़िंदगी में आएगी तो ये था पाई टू का रीडिंग होप आप लोगों को समझ में आया होगा अगर कोई भी सर्विस चाहिए पर्सनल रीडिंग हो कोई ट्विन फ्लेम कोचिंग कुछ भी बहुत सारा सर्विसेज़ आए एंड मैं बार बार बोल रही हूँ मैं फिर से लेके आ रही हूँ नाइन्टी नाइन ऑफ़र जिसमें तीन कार्ड से आपका रीडिंग होगा एंड येस और नो में आपका आंसर होगा सो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट विथ मी नाइन्टी नाइन रुपीज़ एक ऑफ़र फिर आ रहा है बहुत व्यूअर्स का रिक्वेस्ट है इसके लिए फिर मैं लेके आ रही हूँ सो so, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरीथिंग लिखा है उसमें आप अच्छा से देखिए एंड बुक कीजिए जिनको जरूरत है वो ठीक है तो ये था पाइल टू पाइल टू लेट्स पाइल थ्री पाइल थ्री का क्या एनर्जी है हम देखते हैं ओके फाइन पाइल थ्री पाइल थ्री पाइल थ्री इज राधा राइट थ्री राधा जो लोग पसंद किए थे राधा द सोल फ्लेम उनके लिए आज का रीडिंग देखती हूं कि क्या है पाइल थ्री आपके पर्सन का अभी फिलहाल का एनर्जी फिलहाल का है क्वीन ऑफ कप्स ओके फाइन क्वीन ऑफ कप्स ओके देविल्ड क्वीन ऑफ ए नाइट ऑफ पेंडिकल ओके व्हील ऑफ फॉर्चून फोर ऑफ सॉर्स किंग ऑफ कप्सर एंड नाइन ऑफ तो आपका और आपकी पर्सन का जो ओवरऑल मैं साइन वाइज देख रही हूँ कि आप लोग हो सकते हो वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइस हो सकते हो आर्ट साइन चौरस वर्गो कैप्रिकन हो सकते हो एयर साइन जर्मनी लिब्रा एक्स हो सकते हो फायर साइन और इसलियो सैजी तो आप कोई भी साइन की हो सकते हो आप और आपके पर्सन देखते हैं कि क्या है पाइल थ्री का एनर्जी मतलब आप और आपके पर्सन बोथ डीप ऑफ द माइंड में क्या सोच रहे हो आप काफी डिप्रेस्ड हो हम्म आपका अभी का जो एनर्जी है इसमें आप काफी डिप्रेस्ड एनर्जी में हो बहुत प्यार दे चुकी हूं भाई और नहीं इतना प्यार इतना प्यार खुद को खाली करके दे दिया बस खुद को ही प्यार नहीं दिया ये एनर्जी में आप हो इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया कि अभी प्यार तो इतना निचोड़ के भी एक ड्रॉप प्यार नहीं निकलेगा ऐसा हालत पे हो इतना कुछ कर दिया सोच तो रहे हो सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव करने के लिए लावी ही खत्म एनर्जी का कॉन्वर्सेशन जो कॉन्जर्वेशन लो एनर्जी का सिर्फ नहीं होता एनर्जी एंड मास अब बहुत कुछ दे के एनऑल एनऑल एवरीथिंग करके आप जो कंजर्वेशन लॉ को तोड़े हो कंजर्वेशन लॉ को तो नहीं तोड़ सकते दे चुके हो सब एनर्जी ऑलरेडी गिवन एनर्जी हो गया है ये एनर्जी से आप देख रहे हो और एकदम कोई अभी भी मतलब देने के लिए अभी भी तैयार हो अंदर कुछ होना हो आप देने के लिए तैयार हो बहुत डिप्रेस्ड हो ठीक है दोनों की दोनों एक मेनली uh, आपकी पर्सन आपकी पर्सन भी डिप्रेस्ड है ऐसी बात नहीं है आप डिप्रेस नहीं है आपकी पर्सन भी डिप्रेस है ठीक है आपकी पर्सन एक्सट्रीमली फिजिकल एडिक्शन फील कर रहा है तो ये फील कर रहा है ठीक है कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ठीक है ये एनर्जी आपको बहुत ज्यादा फील कर रहा है राहु का कार्ड है राहु का दशा चल सकता है आप और आपकी पर्सन हाँ दोनों का आ, किसी का एनी हाउ ये जो एनर्जी है एनर्जी क्लियर भी होता है ऑलवेज हम लोग जो रेकी हीलर्स है ऑलवेज़ एनर्जी को क्लियर करना हम लोगों को काम होता है जो नेगेटिव एनर्जीज़ है सो एनी हाउ द डेविल एनर्जी है मतलब फिजिकल अट्रैक्शन दोनों का आपको भी है उनको भी है दोनों ही फील कर रहे हैं वो ज़्यादा फील कर रहे हैं आपकी तरफ एक एक्सट्रीम एडिक्शन अट्रैक्शन फील कर रहा है ऐसा भी बहुत लोग हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है ऐसा भी बहुत लोग हैं जिन जो दारू सिगरेट कुछ भी एडिक्शन के अंदर आपकी पर्सन फंसा हुआ है ठीक है ये एनर्जी आपकी पर्सन का मैं फील कर सकती हूँ जो एनर्जी है अभी वो सब लोगों का डिप्रेशन लेने का कैपेसिटी एक नहीं होता इसके बाद आता आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है जहाँ पे क्या होता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स में वो आपको ऑफर करना चाहते हैं ठीक है कॉस्टली गिफ्ट देना चाहते हैं ऑफर करना चाहते हैं बहुत मेच्योर्डली ऑफर करना चाहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि आप जो बहुत उनको दे चुके हो कही कहीं ना कहीं रिटर्न बैक करना चाहते हैं उस चीज़ को गुस्से में नहीं उनको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया ये एक एनर्जी है ठीक है तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत सोच समझ के आगे जाना एंड बहुत मेच्योर्डली नाइट सोल्जर एनर्जी कैसे होता है है ना उस एनर्जी में है बहुत मेच्योर्डली जो भी आप दिए हो एंड ऑल वो बहुत सोच समझ के आगे जाने का कोशिश कर रहा है एंड सोच भी रहा है नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ़ फॉर्चून हाँ एक गुड टाइम आपका आने वाला है वेरी नियर आपका एक गुड टाइम आने वाला है आपका पर्सन सोच भी रहा है अभी तो डिप्रेस्ड है फिजिकल अट्रैक्शन है सोच रहा है अभी थोड़ा बहुत ईगो है हाउ टू रिटर्न बैक मगर प्यार भी है एंड एडिक्शन हो सकता है ब्लैक मैजिक का एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आपकी पर्सन के ऊपर ये एनर्जी है तो ओवरऑल एनर्जी ये मुझे दिख रहा है बट न्यू बिगिनिंग होगा अक्टूबर तक मुझे न्यू बिगिन सितंबर अक्टूबर तक एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है इसरो एनर्जी का कम्युनिकेशन हो सकता है अगर कम्युनिकेशन है मिडिल में थोड़ा बंद हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है वो तो चलेगा जैसे मगर सेवन डेज से थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा अगर इन लोगों का नो कम्युनिकेशन है ऐसा भी है तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन धीरे स्टार्ट होगा मगर सेप्टेम्बर अक्टूबर से न्यू बिगिनिंग स्टैंड लेने का एनर्जी मुझे दिख रहा है ये जो बंदे हैं ना ऐसा कुछ कुछ भी सिचुएशन हुआ है जिसमें शायद आ, बहुत आगे नहीं आ पा रहा है सिर्फ सोच रहा है नॉल मगर ये कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हैं फोर ऑफ सॉर्ट्स एक प्रार्थना बहुत जगह एक प्रार्थना का एनर्जी में है ठीक है एकदम स्ट्रीट प्रार्थना का एनर्जी में है कुछ ऐसा कुछ करो कुछ चेंज करो ये एक एनर्जी में है ठीक है तो वो आपको क्या करना चाहते हैं किंग ऑफ कप्स प्रॉपरली दिल से आपको ऑफर करना चाहते हैं ठीक है एक बैलेंस आना एंड नाइन ऑफ इट्स अ स्टैंड लेना अभी भी वेट कर रहा है मगर वो एक स्टैंड लेंगे ये आपका पर्सन के दिमाग में चल रहा है अभी सुनती हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपके दिमाग में बहुत ही जैसे मैंने बोली डिप्रेशन है बहुत प्यार दे दिया प्यार से तो मैंने इतना दिया क्या मिला मुझे फिर मुझे और नहीं चाहिए ये एक एनर्जी है मगर फिजिकल अट्रैक्शन कहीं ना कहीं सपने में सेक्सुअल अट्रैक्शन आप भी बहुत स्ट्रांग फील करते हो अब जो भी दिए हो आपको लगता है इतना दे के फ़ायदा क्या हुआ मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि देखें ये सब देखें मैं उनको भी कंट्रोल करने का कोशिश आपको कॉन्सियस माइंड नहीं बोलेगा सब कॉन्सियस आपको ले नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं ऐसा है कहीं ना कहीं आपको लगेगा डीप ऑफ द माइंड में जाके सोचना कि इतना करने के बाद वो क्यों मुझे मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते या मेरे पास सरेंडर नहीं करते मतलब आप कुछ भी किए हो तो उनको सरेंडर करने के लिए किए हो आप दिल से नहीं किए हो क्या ये एनर्जी अच्छा से सोचिए अपने आप को अच्छा फोर ऑफ़ शॉर्ट्स फोर ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी वो कहीं आपको पकड़ के कुछ किया है नहीं आप भी खुशी से उनके साथ गए हो ठीक है तो एक प्रार्थना आप भी कर रहे हो वो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रार्थना का एनर्जी जो है आपको भी है उनको भी है दोनों की दोनों का प्रार्थना की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स हाँ वो आप जानते हो कहीं कही ना कहीं आपका डीप ऑफ द माइंड में है वो वापस आएंगे ये एनर्जी आपका है बैलेंस आएगा वापस आएंगे ये ओवरऑल एनर्जी है हाँ नोवंबर डिस सितंबर अक्टूबर से एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और जिन लोगों का नो कम्युनिकेशन है मैं देख रही हूँ सेवन डेज है आ, 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 सेवन टू तो नाइन मैक्सिमम सेवन ही सोच लीजिए कॉम्युनिकेशन हो जाएगा ठीक है नवम्बर नौ, अक्टूबर नवंबर सेप्टेंबर अक्टूबर में एक एक्सट्रीम चेंज आने वाला है आप लोगों के रिलेशनशिप में तो ये था पाइल थ्री का रीडिंग होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा अभी देखती हूँ साई बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है साई बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं आपके तरफ क्या न्यूज भेजना चाह रहे हैं आपके तरफ ठीक है देखते हैं समर्पण सरेंडर साहिब बोल रहे अपने मालिक एवं गुरु के प्रति पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए राइट right. ठीक है जो भी आपके साथ हो रहा है खुद के ऊपर मत लीजिए सबकी मालिक एक है गॉड ठीक है ना उस जगह में खड़े होके आप सच में दिल से दिमाग से हर चीज से गॉड को सरेंडर दीजिये. कर दीजिए कर दीजिए आप इनर वर्क कीजिए वही गॉड के पैर में उनको पाने के लिए नहीं खुद को जानने के लिए गॉड से अपने आप को जो एक प्रॉपर हारमोनियस रूनियन विद गॉड उसकी तरफ जाइए जब आप सच में सरेंडर कर देंगे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपकी जिंदगी में कोई भी जगह से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है समर्पण कीजिए सरेंडर का एनर्जी के लिए गॉड आपको बोल रहा है ठीक है तो ये था पाइल थ्री का रीडिंग जैसे मैंने बोला आपको समझ में आया होगा अगर आप लोगों को कोई भी सर्विस चाहिए मैं फिर से लेके आई हूँ नाइन्टी नाइन ऑफ़र येस और नो व्यूवर्स की बहुत सारा मुझे बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज जाते हैं सो यस और नो में आंसर मिलेगा विथ थ्री कार्ड्स रीडिंग थ्री कार्ड का पिक्चर आपके लिए जो कार्ड प्रॉपरली पिकअप किया जाएगा एनर्जी वाइज एंड येस और नो में क्वेश्चन भी प्लीज़ येस ये मेरा होगा या नहीं होगा ये होगा करना सही होगा या नहीं आप मेरा आपकी मेरा पर्सन का फीलिंग बताइए ये सौ नो में मैं आंसर नहीं दे सकती ठीक है फिर मैं टाइप करूंगी फिर मैं ये नहीं ये सॉन नो फिर आप कुछ बोलोगे प्लीज़ ऐसा मत कीजिए सीधे सी जैसे दिमाग को एकदम शांत करके खुला रख के इतना टाइम नहीं होता है आप मेरी जगह में खड़े हो जाएंगे पता चलेगा बहुत प्रॉब्लम होता है सो so, प्लीज़ ये सौ और नो का जो भी क्वेश्चन का है आपको प्रॉपरली ये और नो का क्वेश्चन कीजिए आपको थ्री कार्ड का आपका प्रॉपर एनर्जी रीडिंग होगा एंड एस और नो में आंसर होगा कोई डिसीजन चाहिए तो होगा नाइन्टी नाइन ऑफर्स फिर मैं लेके आई हूँ व्यूअर्स चॉइस में व्यूअर्स का मतलब जो रिक्वेस्ट है इसमें ठीक है अभी हम लोग जाता है पाइल फोर पाइल फोर मतलब लस्ट जो पाइल है कि क्या है एक्चुअली वाट इज गोइंग ऑन क्या गोइंग ऑन आपकी पर्सन का और आपके दिमाग में ठीक है अच्छा पाइल नंबर फोर लेडी वेनस देखती हूं कि लेडी वेनस का जो एनर्जी है क्या है एंड पाइल फोर जो लोग पसंद किए थे उन लोगों का एनर्जी एक्चुअली क्या है देखते हैं क्या है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग ठीक है लेट स्टार्ट पाइल फोर पाइल फोर क्या क्या कार्ड आया है द चैरियट ओके द एम्प्रेस एट ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ वर्ण्स सिक्स ऑफ सॉर्ट्स द फुल कार्ड सेवन ऑफ वर्ण्स एंड Eight ऑफ Swords, Swords. ठीक है तो ये एनर्जी है ठीक है देखिए ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रहा है अगर यहां से मैं स्टार्ट करूँ कार्ड को देखिए अच्छा से देखिए आपका जो पहले मैं साइन बोल देती हूँ साइन क्या है देख देख रही हूँ कि आप लोगों में एयर साइन हो सकते हो जेमिनिब्रैक्टिवियस फायर साइन हो सकते हो एंड साइन हो सकते हो चौरस वर्गो कैप्लीकर तो इसके अंदर आप और आपकी पर्सन दोनों होंगे ओके लेट स्टार्ट कि देखती हूँ कि क्या है देखिए जो एनर्जी ओवरऑल है मैं अगर स्टार्ट करूँ तो अभी जो सिचुएशन है ना ये सिचुएशन बहुत गंभीर है आपकी और आपकी पर्सन का सिचुएशन गंभीर है ये मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा एनर्जी है मन के अंदर कुछ ना कुछ एक चल रहा है जैसे एट ऑफ सॉर्ट्स बहुत बाधा हुआ एनर्जी ठीक है मतलब स्टक किया हुआ एनर्जी ऐसा सिचुएशन में आपकी पर्सन है जहाँ पे वो ना एकदम बांधा हुआ महसूस कर रहे हैं उसको समझ में हो सकता है आपसे अभी कांटेक्ट भी नहीं करना चाहते या किया भी तो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है मगर उस जगह से ना वो निकालना चाह रहा है सेवन ऑफ वनस बहुत फाइट कर रहा है सिचुएशन से निकालने का मतलब दम घुटने वाला सिचुएशन में खड़े है आपके पर्सन पूरा बांधा हुआ है उनको सब कुछ समझ में आ रहा है मगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है वो आप उस सिचुएशन से बाहर निकालने का भी कोशिश कर रहा है मगर द फुल एनर्जी में आ रहा है अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है होता है ना एक टाइम एक बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है ऐसा सिचुएशन में है मगर डिवाइन विल हेल्प हिम हॉर हार जो भी हो हीम और हार कोई भी हो मैं ऐसा करके जस्ट बोल रही हूँ तो जस्ट ऐसा सिचुएशन में उनको दिमाग काम नहीं कर रहा जैसे एक खाड़ी में भी गिर सकता है ऐसा हालत है मगर देखिए कोई ना कोई आगे उनको हेल्प कर रहा है यहाँ पे जैसे डॉगी उनको हेल्प कर रहा है कोई ना कोई डिवाइन कोई ना कोई थ्रू में डिवाइन तो खुद आके नहीं करते कि किसी ना किसी चीज़ के थ्रू हम लोगों को रास्ता दिखा देते हैं उनको भी ऐसा ही होगा वो भी, भी जो भी बोझ की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है फाइट कर रहे सिचुएशन से ऐसा हालत है ना इस सिचुएशन से निकाल के जाएंगे क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ट्स आया है इसके बाद आया है सिक्स ऑफ सॉर्ट्स जो भी हालत में जो भी हैवीनेस में ये फंसा हुआ है इस सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे सिक्स ऑफ शॉर्ट्स ये एनर्जी है सिचुएशन से बहुत तकलीफ करके निकलेंगे क्योंकि सेवन ऑफ वनस है सिक्स ऑफ शॉर्ट्स है और ऊपर से अभी का सिचुएशन में एट ऑफ सॉर्ट्स बाधा हुआ उनको लग रहा है बात कर ले बात कर ले मगर इस जगह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है मतलब उसको जो उनको लग रहा है कि जो भी होगा भाई सिचुएशन एकदम डिसीशन लेके कुछ हो इसीलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है समझ में नहीं

ठीक है एंड वो एक द एम्प्रेस आपको एक एम्प्रेस की आप डिवाइन फेमिलाइन भी हो सकते हो मुझे लग रहा है यू आर डिवाइन फेमिलाइन ऐसा हो सकते हो एनी हाउ वो आपको इस जगह से देखता है एज अ क्वीन एज अ क्वीन की जगह से देखते हैं हम वो प्रॉपर मूवमेंट लेंगे प्रॉपर मूवमेंट जुलाई तक ही एक बहुत अच्छा एक जून जुलाई तक जुलाई दिख रही हूँ जून जुलाई से ही एक रिलेशनशिप जो अभी जो एक बहुत स्ट्रेगनेंट रिलेशनशिप है वो जुलाई से नॉर्मल हो जाएगा कम्युनिकेशन हो जाएगा कम्युनिकेशन का ऐसा कुछ नहीं होगा जिन लोगों का बहुत ब्लॉकेज नहीं है बार बार बोलती हूँ ब्लॉकेज है हीलिंग से काउंसिलिंग से प्रॉपर इनर वर्क से सही कीजिए फालतू का कोई चीज़ दिमाग में लेके एक एक दिन बर्बाद मत कीजिए बार बार बोलती हूँ जिनके लिए हीलिंग पॉसिबल नहीं होता हो सकता है सबके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ही सकता है कम से कम बैठ रहे बैठे बैठे रह के रोध होके तो फायदा नहीं है थोड़ा बहुत तो कीजिए है ना थोड़ा बहुत आप प्रॉपरली आप अपने आपको हील कीजिए मेडिटेशन कीजिए है ना अच्छा सोचिए सरेंडर टू गॉड कीजिए ये प्रोसेस तो थोड़ा आगे जाइए बैठ के रो के तो फायदा नहीं है उसमें तो और भी आप ब्लॉकेज के पहाड़ डाल रहे हो है ना ये जगह में है तो द इम्प्रेस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं लगता है आप भी बंधे हुए सिचुएशन में हो आप भी इस बार बहुत ही डीप जगह से थिंकिंग कर रहे हो हाँ वो डीप एक जगह से आप थिंकिंग कर रहे हो आप थिंक कर रहे हो अब भी सोच रहे हो कि अभी भाई एक जगह में पहुंचना है नहीं तो आओ तो आओ पूरा नहीं तो जाओ तो जाओ पूरा ये सिचुएशन में आप और आपकी पर्सन हो मतलब आप आप हो सॉरी आप हो कि आना है तो सच में आओ जाना है तो पूरा जाओ ऐसा सिचुएशन में मत ऐसा बांध के मतलब ये जगह में आप खड़े हो पहले आपको क्या लगता था बाबा इतना दिन बात नहीं करके नहीं रह सकते वो सच में तो नहीं चला जाए चला जाएगा मेरी ज़िंदगी से नहीं अभी उस जगह में बिल्कुल नहीं हो और नहीं तो आप जो हो भी ये जगह से इम्प्रूवमेंट आपकी जिंदगी में आने वाले हैं आप, आपको सच पता चल गया वो फुल एनर्जी में है बट यू आर इम्प्रेस एनर्जी आप इम्प्रेस एनर्जी में हो आप बहुत चीज को समझ चुके हो आपको पता चला कि ऐसा करके इंबैलेंस लाइफ लीड करके कोई फायदा नहीं है सिचुएशन अदरवाइज वो रहे सिचुएशन से बाहर निकले तो रहे नहीं तो रिलेशनशिप से बाहर निकालना है ये एनर्जी आपके अंदर अभी स्ट्रांगली चल रहा है पाइल फोर ठीक है वो आपसे बहुत एक अट्रैक्शन फील कर रहा है आपको आप डिवाइन हो बार बार बोल रही हूँ ना डिवाइन फेमिलाइन हो आ, तो ये जगह से मैं देख रही हूँ वो पैसा भी बनाने का कोशिश कर रहा है कैरियर लेके भी बहुत वो पैसा लेके बहुत सोच भी रहा है हो सकता है ऐसा सिचुएशन है जिसमें ना बांधे हुए सिचुएशन में यहाँ पे ना खार्डे मैं अभी देख रही हूँ मैं तो इतना गिन गिन के कार्ड नहीं लेती जस्ट तो मैं, मैं एनर्जी पिकअप करके यहाँ पे एक कार्ड देख रही हूँ कि इधर मतलब मैंने आठ कार्ड देख के नहीं रखी क्वीन ऑफ पैकिंग ऑफ पेंटिकल्स है मैंने बोला ना वो अपने आप को बांध के रखा है ये बॉटम ऑफ द डेक मत सोचिए ये एक कार्ड आया था मैंने देखा तो बाधा हुआ है बाधा हुआ सिचुएशन में मॉनिटरी चीज़ में भी बाधा हुआ है इमोशनल uh, चीज़ में भी बाधा हुआ है सब के ऊपर काम करता है ठीक है सबके ऊपर वो काम कर रहा है ये एक एनर्जी आपके पर्सन का भी चल रहा है ना प्रॉपरली मूवमेंट करेंगे आपकी तरफ सोच समझ के हाँ आपको क्योंकि ये द इम्प्रेस की बात कर रहा है सोच समझ के प्रॉपरली मूवमेंट आपकी तरफ करेंगे क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव मानता है आपके ऊपर एक, एक एक्सट्रीम अट्रैक्शन भी फील करता है प्यार तो है ही नहीं तो इतना स्ट्रगल किस बात की इसके बाद क्वेश्चन आएगा मैम मुझे प्यार करते हैं ना तो डिवाइन मैं फेमिनाइन हो शायद आप शायद नॉट नेसेसरी कि सबके लिए इतना अट्रैक्शन फिर इतना तकलीफों क्यों झेल रहा है प्यार करते हैं तभी ना झेल रहा है मगर वो प्रॉपरली आपकी तरफ आएंगे कम्युनिकेशन तीन से आठ दिन के अंदर हो जाएगा छ भी हो सकता है हाँ ये एक कि हो जाएगा प्रॉपर जो रिलेशनशिप का अगर आगे जाना बोलो तो वो मैं देख रही हूँ कि जुलाई से एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है फिर देखती हूँ कि साई बाबा का क्या मैसेज है फाइल फोर के लिए क्या बोलना चाहता है साई बाबा स्वेच्छा स्वयं स्वेच्छा से बाबा की सौंप दीजिए अपनी अभिलाष कहानी को नहीं ठीक क्या बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे वैसा चाहिए भगवान मुझे कर दो भगवान मुझे कर दो इस जगह से बाहर आइए बाहर आ जाइए मेरा जो मर्जी है वो कीजिए बाबा को ऐसे समर्पण कीजिए गॉड को ऐसे समर्पण कीजिए अपने आप को कि बाबा जो सच है जो सही है वो ही करो गॉड हंड्रेड परसेंट आपके लिए सही करेंगे आप उनकी संतान हो आप चाइल्ड ऑफ गॉड हो ठीक है ना तो इस जगह से ना जब हम लोगों के चक्रा लेके पढ़ाते हैं तो ये जगह से पहली बार करते हो जो स्पिरिचुअल स्टडीज़ में आते हैं चाइल्ड ऑफ़ गॉड इट्स ऑल्सो अ चक्रा फॉर आस ठीक है जो डिटेल चक्रास लेके आप जब पढ़ेंगे तो ये जगह भी एक एनर्जी तो ये जगह सच में हम लोग गॉड का ही संतान है तो ये इस जगह में ये आपका फीलिंग होना है मुंह में बोलना फीलिंग होना तो उस जगह में ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए नहीं बोल के पूरा समर्पण कीजिए स्वेच्छा से समर्पण कीजिए एंड ये बोलिए कि अब मेरा जो सच है वो ही मेरे पूर्ण कीजिए मेरी अभिलाष कहानी को जो है वो नहीं जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो ही आप देखिए वो ही कीजिए बाबा ज़रूर आपको सहायता करेंगे आशीर्वाद करेंगे अभी देखती हूँ कि एक्चुअली जो भी पाइल फोर का जो रीडिंग है आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रही थी और आप लोकेट भी कर सकते हो कि आप रेजोनेट कर सकते हो कि हाँ मैडम ने जो बोला वो मेरे साथ कितना सही है अगर आप लोगों को ये लगा कि नहीं ये शायद नहीं है बाकी तीन पाइल देखिए हो सकता है आपका थोड़ा सा इंट्यूशन पावर और भी बनाना पड़ेगा प्रॉपर आपका नहीं है मगर ये जनरल रीडिंग है पार्शियली भी मगर रेजोनेट कर सकता है इसके साथ उसके साथ कुछ भी अच्छा से देखिए ये पूरा जो एनर्जी अभी थोड़ा सा हेवी एनर्जी है हर तरफ तो ये प्रॉपर एनर्जी का कार्ड है जो डीप ऑफ द माइंड आप और आपकी पर्सन का चल रहा है सो so, आप लोगों को कोई भी जैसे मैं हर बार बो मैंने इस बार बोल रही हूँ कि बहुत सारा व्यूअर्स की मेरा आ, रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज़ नाइन्टी नाइन ऑफर लेके आइए ये और ये येस का कार्ड के लिए कोई बात नहीं आपका जो क्वेश्चन होगा क्लियरली येस और नो की क्वेश्चन ही होगा कि मैं ये करूँ या ना करूँ मेरे लिए सही है कि नहीं है मतलब कोई भी हो येस और नो के क्वेश्चन होना चाहिए एंड आपका जो भी क्वेश्चन है दीजिए जिसका आंसर येस और नो में मैं प्रॉपरली दे सकती हूँ प्रॉपर एनर्जी से सो so आपके लिए तीन कार्ड निकाला जाएगा एक एग्जैक्ट कार्ड निकाला जाएगा एंड आंसर येस और नो में होगा प्राइज नाइन्टी नाइन ऑफर में ये हो रहा है सो so, अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ मी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है ऑल सर्विसेज का पूरा डिस डिस्क्रिप्शन है कमेंट करना मेरे मेरे चैनल को प्लीज़ मत भूलिए क्योंकि कमेंट के जरिए ही तो आप लोगों के साथ मैं ये जो न्यू न्यू वीडियो है लेके आती हूँ और ये सोल कनेक्शन जो फील करती हूँ सोल कनेक्शन में बाधा रहती हूँ ये कमेंट के जरिए राइट एंड मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेलाइकॉन को ज़रूर दबाइए तो न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे थैंक यू बाय बाय